यदि आप भी अपने स्लो कंप्यूटर से परेशान हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नया जैसा बना देंगे, सिर्फ 5 सेटिंग कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमें रन कमांड टाइप कर लेना है। रन कमांड टाइप करने के बाद में हमें क्या पहली कमांड टाइप करनी है, टेम्प, TEMP। टेम्प टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे हमें यहाँ कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर कुछ टेम्परेरी फाइल्स आ चुकी हैं, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए की मदद से और शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट करने से क्या होता है, ये हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। और इसको एक फाइल ये डिलीट नहीं करने देगा, तो हम उस फाइल को डिलीट करने के लिए नहीं परेशान होंगे, एक आधी फाइल से कुछ नहीं होता है। दूसरी हमारी कमांड होगी परसेंटेज के साथ में टेम्प, हम उसको भी टाइप कर लेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे हमें यहाँ पर भी कुछ बहुत सारी फाइलें मिल जाएंगी, देख रहे होंगे 369 फाइलें हैं, 369 फाइलें हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे शिफ्ट के साथ में, इंटर कर देंगे। और यहाँ पे भी कुछ फाइलें डिलीट नहीं करेगा ये, तो उनको भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 2-4-5 फाइलों से कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा कमांड हमारा प्रीफेज होता है, यहाँ पर जाएंगे PREFETCH और यहाँ पर इंटरनेट में जितनी भी साइट्स चलाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट से संबंधित वेबसाइट चलाते हैं तो वो प्रीफेज के अंतर्गत आती हैं, और इनको भी हम कभी कभी इंटरनेट नहीं चल रहा होता तब भी हम इस कमांड को यूज में ले सकते हैं। और चौथी कमांड हमारी हो गई CleanMDR। तो CleanMDR आने से हमें कौन सी डिस्क, सी डिस्क हमारी विंडो पड़ी हुई, सी डिस्क को हम क्लीन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट करने के बाद लगभग 2.23 GB डेटा हमारा बच जाएगा, और इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो डिलीट फाइल्स हो जाएंगी और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। हमारा कंप्यूटर ये सारी चार कमांड्स हो गई, चार कमांड्स जब हम ये सारी चला लेंगे उसके बाद में बहुत सारा भी काम बाकी है, ये चार कमांड हो गई। और अब हम करते हैं रिसाइकिंग बिन पे चले जाते हैं। रिसाइकिंग बिन में जाने के बाद हमारे पास देख लेते हैं इसमें कोई डाटा नहीं है, अगर डाटा इसमें कुछ है आपका तो इसको भी क्लीन कर देते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा काम जो छठवां काम है, पांचवी कमांड है और काम हमारा छठवां है, तो इस पे हम विंडोज़ आर करके msconfig टाइप कर लेते हैं। तो msconfig टाइप करने से हमें क्या होता है कि हमारा जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो टाइम लेता है, अगर थोड़ा सा लेट ओपन होता है, तो हम यहाँ पर जाके एडवांस ऑप्शंस पे जा सकते हैं। एडवांस ऑप्शन पे जाके आपके कंप्यूटर में एक कोर लगा होगा तो आप मैक्सिमम कोर इसमें 6 कोर यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके कंप्यूटर का जो CPU होगा उसमें कितनी कोर्स हैं, और यहाँ 6 आ रहा है क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ये 6 कोर का है। आपके कंप्यूटर में जितना भी है आप 6 कोर लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं और देन रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर पहले से फास्ट ऑन होने लगेगा और आपका कंप्यूटर जो स्लो हो गया था पुराने की तरीके, जब आप नया कंप्यूटर लाए थे उस तरह से आपका कंप्यूटर नया चलने लगेगा। तो आप ये सारी कमांड्स जरूर यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है, फास्ट हो गया है। और अगर आपको वीडियो ये ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर ये लिंक भेज दीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो से फायदा ले सकें और अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।